ये हमारा आलू और सेम की सब्जी बिल्कुल मसालेदार और सूखी सब्जी बनके तैयार है। इस आलू और सेम की सब्जी के लिए हमने सेम लगभग 200 ग्राम के आसपास लिया है और आलू एक बड़े साइज का, दो टमाटर और अदरक हमने कूट के लिया आधी इंच। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और दो सूखी मिर्च का फ़ौरन डालेंगे इसमें, और एक चम्मच के आसपास हम सरसों डालेंगे, काली सरसों। तो उसे देखिए थोड़ी सी हम इसे पकाएंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे सेम ऐड कर लेंगे। सेम को हम लोग बोलचाल की भाषा में सेम भी बोलते हैं, और आलू भी हम इसी स्टेज में पहले हम सेम को डाल के उसके बाद हम आलू को डालेंगे और उसे इस प्रकार से अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद फिर हम कवर करके इसे पकाएंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो ये देखिए हमने ढक्कन हटाया है और इसे फिर हम चला देंगे। तो इसी प्रोसेस से आप 2 से 3 बार कवर करके इसे पकाएं और फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। तो हमने 2 से 3 बार इसी प्रक्रिया से इसे कवर करके पकाया है। तो ये देखिए हमारा आलू और सेम अच्छे से ये लगभग 90% के आसपास पक चुका है। अब हम इसे मसाले ऐड करेंगे। मसाले हमने धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी गरम मसाला, ये सारे मसाले हमने आधी आधी चम्मच से भी कम लेनी है, क्योंकि हमने 200 ग्राम सेम और एक बड़े साइज का आलू लिया है। ज़्यादा हमारा ये सब्जी है नहीं, कम मात्रा है, तो मसाले भी हम कम डालेंगे इसमें। और मसाले को अच्छे से मिला के इसे हम पकाएंगे। तो अब हम यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे और नमक ऐड करने के बाद इसे हम चला लेंगे। तो देखिए इसे चलाने के बाद फाइनली हमारा कुछ इस प्रकार से ये देखने में लग रहा है। तो यहाँ पे हम इस स्टेज पे हमारा मसाला और नमक डालने के बाद, भूनने के बाद हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हमने 2 बड़े साइज का लिया है। तो आप टमाटर इस सब्ज़ी में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आने वाला है। तो इसे भी हम कवर करके टमाटर डालने के बाद पकाएंगे। तो ये देखिए आप इस प्रक्रिया को भी 1 से 2 बार ढक के पकाएंगे। तो आलू सेम में इस प्रकार से बड़े बड़े टमाटर का साइज डाल के पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनने वाला है ये सब्ज़ी। तो ये देखिए, तो ये हमारा ये लगभग फाइनली हमारा आलू और सेम की सब्जी बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अब इसकी प्लेटिंग देख लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल मसालेदार बनके तैयार है ये रेसिपी। तो इस प्रकार से आप आलू और सेम की सब्जी को बनाएंगे, बहुत ही टेस्ट आने वाला है। तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और थोड़ी सी हम गार्निशिंग यहाँ पे हरी धनिया से हमने गार्निशिंग कर लिया है इसे। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, आप अपने घर पे बना के हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।